5, 4, 3, 2, 1. एक्सपेरिमेंटल बॉयज, तो यार काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम से एक महीने से काफ़ी डिस्टर्ब था, तो अब इससे वीडियोस रेगुलर आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कोई नहीं, आज करने वाले हैं एक कमाल का एक्सपेरिमेंट जो है किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली फायर अप करना। अक्सर दिवाली में होता है कि किसी डेंजरस पटाखे को फोड़ने के लिए करीब से उसको फोड़ना पड़ता है और डर बना रहता है कि पासी में ना फट जाए, लेकिन इस बार लोग उसको वायर से कनेक्ट करेंगे और काफी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको फायर अप करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए हम लोग को मैच स्टिक्स और काफी लंबा वायर और एक टेप और साथ में मेन चीज है नाइक्रोम वायर। हमने नाइक्रोम वायर इसलिए लिया क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और जल्दी से ये हीट प्रोड्यूस करता है। आप चाहे तो कॉपर वायर भी ले सकते हैं, उसकी पतली स्ट्रिप, और साथ में सबसे मेन चीज 12 वोल्ट की बैटरी। नाइक्रोम वायर इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, इसको देखना कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बैटरी के साथ। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, उसके लिए चाहिए हम लोग को नाइक्रोम वायर की ये पतली वाली इतनी छोटी सी स्ट्रिप, इतना छोटा उसको तोड़ लेना है और फिर ये वायर लेना है, इसके दोनों एंड्स को इसके साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह। तो ऐसे कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये, और फिर मैचस्टिक लेना है और इसके ऊपर हल्का सा स्पेस बनाना है, कट लगाना है हल्का सा एकदम कि इसके अंदर फिक्स हो के। उसके लिए मैं नाखून ही काफी है, इसलिए नाखून बढ़ा के रखा था इसी वीडियो के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। बस इतना काफी है और फिर नाइक्रोम वायर को ऐसे इसके साथ फिक्स कर देना है। तो कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इसके ऊपर टेप मार दी है ना, बहुत इजी। बस तैयार है अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब बस इसको टेस्ट करने की बारी है। तो ये करने के बाद इस वायर के दूसरे एंड्स को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है जैसे, और इन दोनों को नहीं अभी नहीं तो तुरंत ये जल जाएगा, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं फिर देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे बैटरी वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए रेडी है और वायर आया हुआ है मेरे हाथ में। तो 3, 2, 1 कनेक्ट। हो काम कर रहा है अपना एक्सपेरिमेंट, सक्सेसफुल। भाई कितना ऑसम एक्सपेरिमेंट है ये, काफी दूर से ही हम लोग पटाखे जला सकते हैं अब। और क्या लग रहा है, वीडियो खत्म हो गया? नानी ओमाए वा मो सिंदेइरु। नहीं, हम लोग पास एक और कमाल की चीज है, ये पटाखा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली जला के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, और चलते हैं ग्राउंड में। तो पटाखे के ऊपर कैसे छील लेना है इसको, अच्छे से चल सके ये। और फ्यूज को लेना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को, और इसके साथ टेप मार देना है इसके साथ। तो गाइस आ चुके हैं नीचे और अपना सेटअप भी पूरा तैयार है और मेन टेस्टिंग की बारी है अब इस समय, और हमने
सारे कनेक्शन कर दिए हैं, बस पटाखा वहाँ रखा हुआ है और काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसमें आग लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। माइक मैंने निकाल लिया इसलिए साउंड थोड़ा एनवायरनमेंट का ज़्यादा आएगा, तो डोंट माइंड। भाई इतना दूर तो यार इतना दूरी पे हैं हम लोग उससे, और इतना दूर काफी सेफ डिस्टेंस होता है किसी पटाखे को फोड़ने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं। ऑल कैमरा रेडी। अपना एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, तार यहाँ तक छिटक के आ गया है और चीथड़े उड़ गए पटाखे के। तो भाई यार इतना ऑसम एक्सपेरिमेंट है ये और अच्छे से सक्सेसफुल रहा। और एक और अनाउंसमेंट है, जो हमने पिछले नहीं इसी साल जनवरी में पार्सल अंडरग्राउंड दफन किया था और उसका टाइम आने वाला है निकालने के लिए, तो बी अवेटेड फॉर देयर वीडियो। शायद वो वीडियो इधर आ रहा हो आई बटन में या इधर होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, नीचे जाके अच्छे से कमेंट करो कि कौन सा है आपका बेस्ट पार्ट वीडियो का। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।